हालेलुया, शालोम एंड जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के अद्भुत नबी हबक्कूक की पुस्तक के तीसरे पड़ाव की ओर चलें। पहले पड़ाव में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का भविष्य दत्ता कंफ्यूज्ड है, बहुत से प्रश्न है उसके हृदय में। यहोवा परमेश्वर को दरकार नहीं है कि मनुष्य के हर प्रश्न का उत्तर दे, तो भी यहोवा अपने भक्त के बहुत से प्रश्नों का उत्तर देता है। दूसरे खंड में हमने देखा कि कैसे यहोवा परमेश्वर अपने भक्त को ये सिखाता है कि जीवन की परिस्थितियां कितनी भी दुर्गम क्यों ना हो, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कितनी भी अनसर्टेनिटी क्यों ना हो, कितने भी तूफान जीवन में उथल पुथल क्यों ना ला रहे हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और हमने देखा कि कैसे विश्वास की इस आयत को, हबक्कूक नबी की पुस्तक दो अध्याय के इस वचन को तीन बार प्रेरित पौलुस ने कोट किया न्यू टेस्टामेंट में। और हमने देखा कि यह जीवन शैली की आयत है, मसीह जीवन शैली की आधारभूत शिक्षा है। शायद में हम विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं उस परमेश्वर की सनातन सामर्थ पे, उसके अद्भुत प्रेम पे, उसकी करुणा पे, उसके न्याय पे, उसकी भलाई पे हम हर परिस्थिति में भरोसा रखते हैं। तो हमने देखा कि कैसे नबी कंफ्यूज्ड परिस्थिति में से वो विचलित था, विचलित परिस्थिति में से वो परमेश्वर के संग विश्वास से चलना सीखता है और परमेश्वर पे भरोसा करता है, उसकी सत्ता पे, उसकी सनातन सामर्थ पे भरोसा करना सीखता है। अब हम इसके तीसरे खंड में आते हैं, भरोसे से अब आगे किधर प्रभु यहोवा लेके चलता है। हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 5, परमेश्वर के अद्भुत संत राजा दाऊद का अनुभव। भजन संहिता 5 और उसका 11 वचन सुनिए ध्यान से। बट लेट ऑल दोज दैट पुट देयर ट्रस्ट इन दी रिजॉइस। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, उसकी भलाई, उसकी खराई, उसकी सनातन सामर्थ पे भरोसा करते हैं, आप अपने हालातों पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि हालात आज कुछ हैं कल कुछ होंगे। हालात और परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सनातन काल का यहोवा कभी बदलता नहीं। हालेलुया। तो हालातों में हम सीखते हैं दूसरे अध्याय में यहोवा पे ट्रस्ट करना, भरोसा करना। तो अब परमेश्वर का भक्त क्या कहता है, बट लेट ऑल दोज हु पुट देयर ट्रस्ट इन दी रिजॉइस। हे परमेश्वर, वो सभी जो तुझ पे भरोसा करते हैं, लेट देम रिजॉइस, वो आनंदित हों जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। तीसरे परिस्थिति में, तीसरे पड़ाव में परमेश्वर अपने दास को लेके जा रहा है। पहले पड़ाव में कंफ्यूज्ड है, प्रश्न है, दूसरे पड़ाव में भरोसा करना सीखता है, तीसरे पड़ाव में भरोसे से आनंद की ओर। परमेश्वर के लोग परमेश्वर में आनंदित हों। हालेलुया। हमने देखा कैसे वो प्रश्न करता है, प्रश्नों के बीच में परमेश्वर उसे उत्तर देता है और बहुत सी बातों का उत्तर नहीं देता, भरोसा करता है। अब परमेश्वर में आनंदित हो रहा है, He starts rejoicing in the Lord. वो प्रभु में आनंदित होता है। अब देखिए हबक्कूक नबी की पुस्तक 3 अध्याय का पहला वचन क्या लिखा है यहाँ, A prayer of Habakkuk the prophet upon Shigionoth. तीसरा जो अध्याय है वो एक कविता है, तीसरा अध्याय एक भजन है। पहले अध्याय में सवाल है, दूसरे अध्याय में परमेश्वर पे भरोसा करने की अद्भुत कला को सीखना है, लेकिन तीसरे अध्याय में, तीसरे पड़ाव में जब नबी आ जाता है तो वो भजन गा रहा है। तीसरे अध्याय को लिखा गया प्रेयर ऑफ हबक्कूक द प्रॉफिट अपॉन शिगिनोथ। आपको मालूम ये शिगिनोथ क्या है, शिगिनोथ इज अ म्यूजिकल टर्म, ये कोई राग है जिसके विषय में हम मुकम्मल तौर पर नहीं जानते, कोई नोटेशन है राग की, रागदारी की, जिसके ऊपर ये गीत गाया जा रहा है, शिगिनोथ म्यूजिकल टर्म है। हालेलुया। कुछ तार वाले साजों के ऊपर
बजा के ये भजन गाया जाता है। सॉन्ग ऑफ प्रेज, ये भजन है परमेश्वर की स्तुति का भजन। क्या आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं? क्या आप विकट परिस्थितियों में, जब अंधकार आपके जीवन पे छा जाता है, परेशानियां और मुश्किलों से आपका सामना होता है, When life throws many curves and many uncertainty, when life poses so many unfair situations, do you learn to sing His praise? क्या आप सीखते हैं यहोवा की स्तुति गाना दुर्गम परिस्थितियों में, बुरे हालातों के बीच अपना मुंह खोलना और यहोवा की जय जयकार करना? तीसरे पड़ाव में नबी विश्वास से परमेश्वर की स्तुति गाना सीखता है, बुरे हालातों में परमेश्वर की स्तुति करना। अगर आप पढ़ेंगे ना ये वचन, तीसरा अध्याय, मैं पढ़ता हूँ कुछ वचन। ओ लॉर्ड आई हैव हर्ड थाई स्पीच, हे परमेश्वर मैंने तेरी आवाज को सुना। एंड आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गया। ओ लॉर्ड रिवाइव थाई वर्क इन द मिड्स ऑफ थाई ईयर्स, इन द मिड्स ऑफ द ईयर्स मेक नोन इन रॉथ रिमेम्बर मर्सी। तीसरे वचन को पढ़ें, गॉड केम फ्रॉम तीमान, द होली वन फ्रॉम माउंट परान, सिला, His glory covered the heavens and the earth was full of His praise. अगर इस वचन को ध्यान से देखेंगे, इस वचन में पिता है, God came from तीमान, Holy One, उसका पुत्र यीशु मसीह from Mount Paran, और उसकी glory, उसका जलाल, पवित्र आत्मा, Hallelujah. ये Mount Sinai पे, सिनेई पहाड़ पे, यहोवा परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करता है और कैसे अपनी प्रजा को बॉन्डेज से, स्लेवरी से, गुलामी से छुटकारा देता है, और दुष्ट फिराउन जो शैतान का प्रतीक है उसके चुंगल से अपनी प्रजा को छुड़ाता है। ग्लोरी कवर्स, जो जलाल है परमेश्वर, यहां पे लिखा है तीसरे वचन में, हिज ग्लोरी कवर्ड द हेवंस, उसका जलाल स्वर्गों को भर देता है। ग्लोरी कवर्स द अर्थ फुल ऑफ प्रेज, हालेलुया। तो हबक्कुक क्या करता है? हबक्कुक स्मरण करता है, अगले वचन अगर आप पढ़ेंगे, वो रिकॉल करता है, याद करता है अतीत में, पुराने समयों में उनके पुरखे इब्राहिम, इसहाक, याकूब, एलिया, मूसा, हनूक, नूह, उन सब पुरखों के संग परमेश्वर ने जो भलाइयां की है, करुणा की। तीसरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे, मैं ज्यादा समय इस पर ड्वेल नहीं करना चाहता, आप पढ़ेंगे कि वो स्मरण करते हैं कैसे हमारे पुरखों के संग परमेश्वर तूने भलाइयां की, करुणा दिखाई, दया की, जबकि वो तेरे संग सही ढंग से नहीं चले, तो भी ये परमेश्वर अपने क्रोध में भी तू उन पे दया करना नहीं भूला, तू अपने नियम को स्मरण करता है, हालेलुया। और तूने अपनी ही जात के कारण अपनी प्रजा को बरकत दी अतीत में और वर्तमान में और फ्यूचर में, भविष्य में, हे परमेश्वर मैं तुझ पे भरोसा करूंगा। तीसरे अध्याय में परमेश्वर का नबी ये बात प्रभु यहोवा से कह रहा है, वो कंफ्यूजन से निकल आया है। पहले अध्याय में कंफ्यूजन है, बहुत से प्रश्न है, इसराइल के विरुद्ध बेबीलोनियन आर्मी आ रही है इसराइल का विनाश करने के लिए, बहुत से सवाल है, क्यों 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 प्रभु क्यों। फिर प्रश्नों से, कंफ्यूजन से कंसोलेशन की ओर जाता है जब वो सीखता है कि प्रभु यहोवा कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, वो भरोसा करना सीखता है। तीसरे अध्याय में वो स्तुति की ओर जा रहा है, आराधना की ओर। हम इस पुस्तक के अंतिम चरण की ओर चलते हैं, हबक्कुक नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़िए, हबक्कुक 3:17। देखिए नबी क्या कहता है, ऑल दो फिग ट्री शैल नॉट ब्लॉसम, अगर अंजीर के वृक्ष को फल ना भी लगे, नीदर शैल फ्रूट बी इन द वाइन्स, दाख लताओं को अंगूर ना भी लगे, द लेबर ऑफ ऑलिव शैल फेल, अगर जैतून के वृक्ष को जैतून ना भी लगे, एंड फील्ड शैल यील्ड नो मीट, और पृथ्वी से कोई भी फसल पैदा ना हो, द फ्लॉक शैल बी कट ऑफ फ्रॉम द फोल्ड, और सारे जानवर मर भी जाएं, एंड देयर शैल बी नो हर्ड इन द स्टॉल, और हमारे सभी पशु मवेशी मर भी जाएं, क्या कहता 18 वचन में, येट आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, आई विल जॉय इन गॉड ऑफ माई सेल्वेशन। आपको मालूम नबी क्या लिख रहा है? क्योंकि यहूदा में अकाल पड़ रहा है,
परमेश्वर का एक और दंड आ रहा है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे ऊपर तलवार भेजूंगा अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, मेरी व्यवस्था को पाँव के नीचे रौंदोगे, मेरी विधियों मेरे न्यायों की पालना नहीं करोगे। मैं तलवार भेजूंगा, फिर प्रभु कहता है मैं अकाल भेजूंगा, फिर प्रभु कहता है मैं प्लेग भेजूंगा, मरी भेजूंगा। ये मरी चल रही है अभी COVID-19। यदि तुम फिर भी बाज ना आए मैं जंतु को बीस्ट को भेजूंगा। परमेश्वर की दूसरी सजा आ रही है यहूदा पे, अकाल आ रहा है, नबी देख रहा है अकाल आ गया है। तो नबी क्या कहता प्रभु से, कहता हे प्रभु अगर अंजीर के वृक्ष को अंजीर नहीं भी लगेंगे, अगर प्रभु अंगूर की दाख लताएं सूनी रह जाएंगी अंगूर नहीं लगेगा, अगर जैतून के वृक्ष के ऊपर फल नहीं लगेगा, ना तो अंजीर होंगे ना दाखरस होगी ना जैतून का तेल होगा, ना ही फसलें होंगी खेतों के अंदर, और ना ही जानवर जो हैं पशु जो उन्होंने रखे वो भी समाप्त हो जाएंगे मर जाएंगे, ना खाने के लिए गोश्त होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो भी मैं येट आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा, मैं प्रभु से प्रसन्न नहीं करूंगा। क्यों अकाल आ गया, क्यों तेरी प्रजा विनाश की ओर जा रही है, क्यों छोटे नन्हे बालकों को खाने के लिए भोजन नहीं, क्यों माताओं के आंचल में दूध नहीं अपने बच्चों को पिलाने के लिए, क्यों इज़राइल की भूमि सूखी बंजर और वीरान है, क्यों भयंकर अकाल है। कहता है यदि ये भी परिस्थितियां हो जाएं, कुछ भी ना हो, तो भी मैं यहोवा अपने परमेश्वर में आनंद करूंगा, आई विल रिजॉइस। ये है सच्चा सुसमाचार। सच्चा सुसमाचार केवल बरकतें बरकतें बरकतें, बड़ा मीन बड़ी बरकत, ये नहीं है। प्रभु ये देने जा रहा, वो देने जा रहा, ये करने जा रहा, ये भविष्यवाणी वो भविष्यवाणी, ये नहीं है बाइबल। बाइबल ये है। नबी कंफ्यूज्ड था, प्रश्न थे, क्यों हमारा ये हाल है, क्यों इज़राइल की आंतरिक दशा बुरी है, क्यों इज़राइली कुधर्मी है, तेरे मार्गों पे क्यों नहीं चलते, क्यों उनके हाथ गंदगी से भरे और पांव बुराई की ओर जाते हैं। फिर प्रभु कहता है कि मैं भेज रहा हूं एक सेना को जो इन्हें तबाह करेगी। फिर प्रभु से कहता है हे प्रभु क्यों, तेरी प्रजा तो इनसे बेटर है, बेबिलोनियन से अच्छी है। प्रभु कहता है मेरी सोड आ रही है। हालेलुया। पहले अध्याय में वो बहुत कंफ्यूज है, दूसरे अध्याय में प्रभु उससे बात करने लगता है और प्रभु कहता है धर्मी जन हालात कैसे भी क्यों ना हो विश्वास से जीवित रहेगा, धर्मी जन दौलत से जीवित नहीं रहेगा, धन से जीवित नहीं रहेगा, संसार की भोग विलास की चीजों से जीवित नहीं रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। आपको जिंदा रखने के लिए विश्वास जरूरी है, संसार की भोग विलास की चीजें नहीं। तो नबी कहां पहुंच रहा है, नबी पहुंच रहा है परमेश्वर अगर कुछ भी ना हो, खत्ते वीरान हो जाएं, अगर बगीचों में फल ना हो, अंजीर के वृक्ष झड़ जाएं, अगर अंगूर ना लगे, अगर दाखरस ना हो, अगर जैतून का तेल ना हो, अगर खाने के लिए कुछ ना हो, कोई हार्वेस्ट ना हो, हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा हालातों के बावजूद। लोग हालातों को देख के प्रभु की स्तुति करते हैं। नबी कहता हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा। नबी ने अब आनंद करना सीख लिया है। वो नबी जो कंफ्यूज्ड है और प्रश्न करता है, वो नबी जिसने प्रभु की आवाज सुनी कि विश्वास से मेरा जन जीवित रहेगा, जिसने भरोसा करना सीखा है, अब रिजॉइस कर रहा है, प्रभु में आनंदित हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सुनिए क्या कहता है प्रभु का दास। आखिरी आयत में द लॉर्ड गॉड इज माई स्ट्रेंथ। कैसे पुस्तक खत्म हो रही है, हबक्कूक नबी की सवालों से शुरू हुई थी, अब देखिए कैसे खत्म हो रही है, आनंद में हालात कैसे भी क्यों ना हो, खाने के लिए कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु में आनंदित रहूंगा। 19वें वचन में कहता है द लॉर्ड गॉड इज माई स्ट्रेंथ, प्रभु यहोवा मेरा बल है, वो निर्बलों का बल है। हालेलुया। एंड ही विल मेक माई फीट लाइक हाइंड्स फीट, वो मेरे पाँव को हाइंड के पाँव की तरह बनाएगा। ये हाइंड क्या है, हाइंड का असली मतलब है जंगली बकरे या बकरियां। इज़राइल में एनगदी एरिया में, एनगदी का एरिया कौन सा है, डेजर्ट है एनगदी का, जहां पहाड़ है। एनगदी का इलाका वो है जहां पे राजा दाऊद रहा जब अबशलोम ने विद्रोह किया। राजा दाऊद एनगदी में रहा और 500
ऐसे लोग उसके पास आए जो कर्जे में डूबे थे, जो नशा करने वाले थे, जो दुराचारी थे। राजा दाऊद ने उन 500 लोगों को योद्धा बना दिया एनगदी में। एनगदी के इलाके में जंगली बकरियां हैं, बड़ी बड़ी जंगली बकरियां, और पहाड़ हैं। ये पहाड़ के ऊपर ऐसे चढ़ जाती हैं, सीधे ऐसे स्टीप पहाड़ होते हैं, उनके ऊपर ये बकरियां चढ़ जाती हैं। छोटी सी लेज, छोटी सी जगह के ऊपर अपने पंजों के साथ ऐसे घूमती हैं ये बकरियां। ये बकरियां सामर्थ, शक्ति और बल से भरी होती हैं, जंप करती हैं, कुछ उछलती हुई कूदती हुई पहाड़ से पहाड़ों की ओर जाती हैं, पहाड़ की एक चोटी से जंप मारती हैं, कूदती हैं, फांदती हैं ये। हालेलुया। नबी क्या कह रहा है? नबी कह रहा है, परमेश्वर तूने मुझे आनंद से भर दिया है। मेरा आनंद मेरे हालातों के ऊपर निर्भर नहीं है, ये आनंद मेरी आर्थिक स्थिति के ऊपर अनुभव आश्रित नहीं है। ये जो आनंद है ये पैसा, धन, दौलत, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये आनंद मुझे तेरी ओर से मिला है, मैं आनंदित रहूंगा। और कैसे पुस्तक को खत्म कर रहा है? कहता, मैं ना केवल आनंद से भरूंगा बल्कि मैं नाचूंगा, जंप करूंगा, कूदूंगा, फांदूंगा, कैसे? एक जंगली बकरी की तरह, रिजस के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जंप करता जाऊंगा। जब मैं तंग जगहों में, जैसे वो बकरी सकरी जगह में जंप मारती जाती है, तंग जगहों में, तंग हालातों में, बुरे समयों के अंदर से गुजरूंगा, डिफिकल्ट समयों में से, मेरे जीवन की विषम परिस्थितियों में से गुजरूंगा, मैं परमेश्वर रिजॉइस करना, तुझमें आनंद करना और आत्मा से भर के जंप करना, कूदना और फांदना सीखूंगा। तू मेरे पांव को सिक्योर करता है, मेरे पांव डोलते नहीं, मेरे पांव को मजबूती से टिकाता है परमेश्वर। तू मेरी निजात का सिंह है, हालेलुया। तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मेरा मोक्ष है, तूने मुझे आगे पीछे चारों ओर से घेरा हुआ है परमेश्वर, हालेलुया। ऐसे अंधकार भरे हुए समयों में, व्हेन लाइफ डजंट मेक सेंस, व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स, लॉर्ड आई विल ट्रस्ट यू, प्रभु मैं तुझ में भरोसा करूंगा, क्योंकि तू मेरी निजात का सिंह है। मेरा छुड़ाने वाला, मुझको बचाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, मेरी निजात का सिंह है, यहोवा, 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 यहोवा। हबक्कूक नबी की पुस्तक कैसे अंत होती है? गीत के साथ। शिगिनोथ पे एक ऐसा राग है जिसमें जंगली बकरे की तरह नबी आनंद से भरा हुआ, कुलाचे भरता, कूदता और नाचता जाता है। यह है मसीह जीवन, मसीह जीवन का सार। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।